अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम इजी विज का सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का इसका सिंबल होता है। ये देखिए, आपके चार पत्ते बने हुए डिफरेंट कलर के। ठीक है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप एप्लीकेशन स्टोर पर जाके एंड्रॉयड में या आप जहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एप्पल की स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, अभी तकरीबन डाउनलोड होने वाला है। तो इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करके मैं बताता हूँ कि आप इसके साथ कोई भी एप्लीकेशन जो है इजी विज की, जिस भी हार्डवेयर के ऊपर ये लिखा होगा ना इजी विज, जैसे देखिए अभी मेरे पास ये कैमरा था, इसके ऊपर लिखा हुआ था ये वाला ना C3N, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ इजी विज। इसी तरह जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप हार्डवेयर लेंगे, उसके ऊपर अगर ये इजी विज लिखा हुआ है तो उसके लिए यही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो अभी ये तकरीबन डाउनलोड हो गई है 98% के बाद। अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, खुद ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने ये वीडियो मतलब एक पहले बनाने के बाद उसको मैंने क्या किया, एडिट किया ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें बता दूं, क्योंकि वैसे तो देखें अगर आप इसको प्रॉपर खुद से इंस्टॉल करते हैं तो आपको तकरीबन कम अज कम 40-45 मिनट चाहिए ये सारा सेटअप कम्प्लीट करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 5-7 मिनट में आपको सारी चीजें जो मैंने बनाई हैं, सारी चीजें बना के उसको कट करके क्रॉप करके सारे स्टेप वन बाय वन मैंने इसमें आपको समझाए। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आपका पोर्टल प्ले होगा। इसके बाद आपने इसमें अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, ये वाला आ गया। इसके ऊपर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर पहले अपना नाम लिखा आपने। ठीक है, आपने रीजन अपना सिलेक्ट किया, यहाँ पाकिस्तान में PAK लिखे तो पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान सिलेक्ट किया इसमें और नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखा। ठीक है, ईमेल एड्रेस के बाद आपने कंटिन्यू कर दिया इसको। ठीक है, आप इसके इसमें अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं मैंने इसमें, और आप अपने पासवर्ड रखना है। ठीक है, पासवर्ड में कहते हैं जिससे 8 से 16 करेक्टर होने चाहिए। आपकी तीन चीजें होनी चाहिए, एक अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर या स्पेशल सिंबल, इन चार में से कोई तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पासवर्ड लगाएं इसको अपनी जो आप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आप वेरीफाई योर अकाउंट। ये देखें, ये एज अ रोबोट के लिए ना ये कहता है कि ये नंबर जो है ना एज इट इज डालें, वो जो 29PH मैंने वहां से देख के कॉपी कर दिया। उसके बाद फोन नंबर जो आपने एंटर किया था उसके ऊपर आपका लॉगिन आता है। ठीक है, वो फोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपने डाला होता है उसके ऊपर आपका लॉगिन आता है, वो आप ऐड करते हैं। अगर फोन नंबर आता है तो आप उसके साथ ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन भी उसमें आ जाता है। ठीक है, दोनों में से जो भी आपने डाला उसके ऊपर आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, फोन के ऊपर डाला है तो फोन के ऊपर आएगा, अगर ईमेल के ऊपर डाला है तो ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, वो वाला वेरिफिकेशन कोड इसके अंदर हम डालेंगे तो आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये चीजें प्रोसेस 4603 ये मुझे इसका कोड आया हो, लेकिन कह रहा है 30 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कोड मैं यहाँ पे डालूंगा जैसे 4603। ठीक है, ये कोड डालने के बाद आगे ये कंटिन्यू करेंगे। ये देखें कोड डाल दिया, मोबाइल का या ईमेल का दोनों हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पहले मोबाइल के साथ चलाते हैं तो फिर आपसे ईमेल भी पूछ लेता है ये अब। ठीक है, इसके बाद आप देखें ये इजी वेस का आ गया। अब ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। ठीक है, कोई डिवाइस मैंने इसमें ऐड ही करनी है ना, ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक किया तो ऐड डिवाइस में कैमरा है या जो भी ऑप्शन है कि मेरा कैमरा है तो मैंने कैमरे के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, कैमरे के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर आगे डिटेल खुल जाएगी। ठीक है, कैमरे के इजी वेस वाला कैमरा था तो वो आ गया। उसके ऊपर मैंने क्या किया, इसका कहते हैं ये बार कोड है। ठीक है, बार कोड ये थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ये बार कोड आपके कैमरे के ना ये इस जगह के ऊपर लगा होता है। ठीक है, इस बार कोड को ये कहेगा यहां से स्कैन करें। बार कोड को जैसे स्कैन किया तो ये इस तरह से ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस डिवाइस में आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, डिवाइस आपकी ऑन होनी चाहिए, आप इस पर क्लिक करें, वेरीफाई करें कि डिवाइस वाकई पावर्ड ऑन है। ठीक है, डिवाइस ऑन है तो उसको स्टार्ट करें। ठीक है, और लोकेशन की परमिशन नहीं है तो लोकेशन की परमिशन आपको इसमें ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से लोकेशन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है,
ये कहता है इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो, हालांकि मेरा मोबाइल जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसको नेटवर्क के साथ ये एप्लीकेशन जो है ये स्विच नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे आपका मुझे अपना वाईफाई मिल जाएगा। आपका अगर वैसे कनेक्ट हुआ पड़ा है तो वो उससे नहीं चलेगा, ठीक है। स्विच नेटवर्क से क्लिक किया तो यहाँ से आपका जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो कनेक्ट होगा, उसका जो पासवर्ड है, ठीक है, आप पासवर्ड यहाँ दोबारा एंटर करेंगे। जब इसका पासवर्ड लगाया, क्योंकि मेरे इसका मुझे पासवर्ड दबाने याद है GGHJ63WD, तो ये ना ये लगा दिया। पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट किया इसको, ठीक है। वो कहता है जी प्लीज अलाउ, आप इसको अलाउ करें, कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, और ये डिवाइस को कनेक्ट कर दिया हमने। आप देखिए इसके बाद क्या होता है, कनेक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब है कनेक्शन जो है हमारा उस हमारे डिवाइस के साथ, एपी का मतलब तो एक्सेस पॉइंट, ठीक है, एक्सेस पॉइंट के साथ सक्सेसफुल हो गए। तो हमारा जो एक्सेस पॉइंट के साथ है वो कनेक्शन अभी सक्सेसफुल हो गया। अभी आप इसके साथ इसको आगे चलाते हैं, क्योंकि हमारा वाईफाई इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें आप, आपने इसमें लगाना कहाँ पे है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपने लगाना है, उसको क्लिक करें, ठीक है। मैं इसको गैराज में लगाऊंगा तो मैं उसी पे क्लिक करूंगा। आप अपनी मर्जी का ऑप्शन जो भी आप बेहतर समझते हैं उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बैकयार्ड है, शेड है, या बेसमेंट में लगाते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे किया, ठीक है, ये आ गया। अभी देखें ट्रांसमिट एंड इंक्रिप्शन वीडियो, वो ट्रांसमिट कर रहा है ये, देखें। और जो नीचे पड़ा हुआ था ना बिल्कुल ऊपर, देखें छत वाला कैमरा, छत वाली नजर आ रहा है मुझे, लाइट नजर आ रही है, पंखा नजर आ रहा है। आपको याद होगा ये पंखा हमने पिछली वीडियो में इसको सही किया था, इसका स्पीड स्लो होती है ना, तो ये एज इट इज ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका कनेक्शन हो गया अपना, ठीक है, कनेक्शन हो गया। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इसमें, क्योंकि अभी तक मैंने मेमोरी कार्ड भी नहीं ऐड किया, तो अभी यहाँ पे शो कर रहा है, देखें प्लीज इंसर्ट अ मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड मैंने आगे से हाथ लगाया, इनका चेक करता हूँ, ठीक है, और मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट कर दें, ठीक है। इसमें ये देखें स्नैपशॉट, फोटो ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन या अलार्म लगा सकते हैं, ये 3-4 ऑप्शंस हैं। स्नैपशॉट आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं या आप रिकॉर्ड अपने मोबाइल में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई। HD करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये देखें रिकॉर्डिंग सेव टू द एल्बम। इसी तरह यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा तो इसकी फोटो ले लेगा, ये जो अभी करंट पोजीशन है उसकी एज इट इज फोटो ले लेगा। तो ये सारा कुछ था, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कुछ सो समझ नहीं आता वो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।